क्या? हाँ साहब, सदानंद के घर में आग लग गई और घर के साथ साथ सदानंद भी जल के राख हो गया साहब। ये आग लगी नहीं, लगाई गई है, और मैं अच्छी तरह से जानता हूं ये आग किसने लगाई है। सर, विजय सक्सेना कहाँ है? सर वहां लॉकअप में। दरवाजा खोलो। बात क्या है सर? विजय सक्सेना लॉकअप में नहीं है। क्या? जी हाँ, उसने कैंटीन ओनर सदानंद का खून कर दिया है। सर लेकिन ये कैसे हो सकता है? अभी बताता हूं, पहले तुम दरवाजा खोलो। चाबी दो। देखा? अब बताइए इंस्पेक्टर विशाल, कहाँ है आपके मिस्टर विजय सक्सेना? मैं यहां हूं। तुम लॉकअप से बाहर क्यों हो? क्या पुलिस स्टेशन में मुतना भी मना है? ये सब एक नाटक है, नाटक ठकोसला है, एक चाल है विजय सक्सेना। तुम्हें पुलिस स्टेशन से छोड़ा गया है ताकि तुम कत्ल करके वापस पुलिस स्टेशन आ जाओ। ठीक वैसे ही जैसे तुमने कालीचरण को छोड़ा था। What do you mean? मिस्टर फड़के, मैं बेगुनाह होकर भी सजा भुगत कर आया हूं और तुम गुनेगार होकर भी सजा नहीं भुगतना चाहते हो। कानून भले ही तुम्हें छोड़ दे लेकिन मैं तुझे सजा जरूर दूंगा। तू यहां से जिंदा वापस जाएगा तब ना। मिस्टर एसीबी फड़के, आप अपनी बंदूक अपने खोके में वापस रख दीजिए क्योंकि ये बेल ऑर्डर जिंदा आदमी की है, मुर्दे की नहीं। आप? यस सर, एडवोकेट रामलखन तिवारी, BA LLB, आपका पुराना चेला। आप खाता हूं केला, आप खाएंगे? थैंक यू वेरी मच। मैं केला खाऊंगा। सुधा तुम? यस सर, इन्होंने आपकी जमानत दी थी। चलिए सर। थैंक यू विशाल। सर अभी बहुत काम करने, आप बार बार थैंक यू बोलोगे तो थक जाओगे, एक ही बार थैंक यू बोलना। क्यों विशाल? ठीक का। विजय, बस यही है तुम्हारे बगैर जिए हुए जिंदगी की दास्तान। तुम फिक्र मत करो सुधा, जिन लोगों ने हमारे जिस्म के अंदर सुइयां चुभो चुभो कर जहर भरा है वही जहर वापस उन लोगों पर उगलना है। लो भैया, खिला दो मुझे आखिरी पान। क्यों, खुदकशी करने जा रहे हो? अरे खुदकशी करने नहीं, मर्डर करने जा रहा हूं। किसका? जाओ जाओ अंदर, अंदर जाओ अंदर। कहां गुस्से चले आ रहे हैं आप लोग? तुम सबको यहां से निकालने के लिए। क्यों, क्या किया है हमने? अब ज्यादा बनने की जरूरत नहीं है, हमें पता चल चुका है तुम अपनी बेटी से धंधा करा रही हो। क्या? तुम्हारी भलाई इसी में है, फौरन यहां से निकल जाओ। कौन है वो माइका लाल जो इन्हें यहां से निकालेगा? लो, रंडी का भड़वा भी बोला। किस किस की जुबान को तुम रोकोगे बेटा? हाँ हाँ बोलना, क्या कर रहा था तू यहाँ? क्या रिश्ता है तेरा इस लड़की से? अब बोलता क्यों नहीं बे? Thank you.
अब मुंह क्या देख रहे हो, दफा हो जाओ यहाँ से। इंजेक्शन लगने के बाद कितनी देर के बाद हो जाएगा? तकरीबन 3 घंटे बाद। और ये जख्म सीने में? सिर्फ 15 मिनट। फिर ये जख्म बगैर बेहोश के सियो, क्योंकि 2.5-3 घंटे में बहुत काम करना है मुझे। लेकिन सर आपको दर्द बहुत होगा। अब तो दर्द सहने की आदत पड़ गई है। चलो अपना काम शुरू करो। इंच का चोपर उसके पेट में ऐसा घुसाया कि उसकी सारी अतड़ियां बाहर आ गई, समझ लो उसका काम तमाम। अब यहाँ क्या कर रहे हो? जाओ अपनी शादी की तैयारियां शुरू। 7 साल से तुम्हारी बक बक सुनकर मेरा भेजा पक गया है चिरौंजी लाल। यही तो मुसीबत है, जब मामा चिरौंजी सच बोलता है तो दुनिया उसको झूठ मानती है। एक बार तो मेरी बात को सच मान लो और कल बारात की तैयारी करो। मामा चिरौंजी लाल, कल में बहुत वक्त है मामा चिरंजी लाल, मैं आज ही तुम दोनों की बारात निकालता हूँ। जानते नहीं अंदर ऑपरेशन चल रहा है। तुम्हें अकल देने की जरूरत नहीं, एसीपी हूं मैं, कोई घसियारा नहीं। जो हरकत आप कर रहे हैं उससे तो आप घसियारे ही नजर आ रहे हैं। शट अप। कौन है? क्या बात है? विजय सक्सेना कहाँ है? हमारे दिल में। बकवास बंद करो और सीधे सीधे मेरी बात का जवाब दो, कहाँ है वो? आइए अंदर। हाँ? ये कैसे हो सकता है? हमारे एक-एक आदमी को मारता जा रहा है और तुम होके? तो क्या करूं? गिरफ्तार करने के लिए सबूत चाहिए नटवरलाल जी। 7 साल जेल में रहने के बाद वो सारे दांव पेच सीख गया है।
कल का मामूली प्रोफेसर आज शेर बन गया है। तो तुम क्या चाहते हो, उस शेर के डर से मैं बकरी बन जाऊं और अपने बेटे को चूहा बना दूं? वक्त का तकाजा तो यही है कि कुछ दिनों के लिए आप कहीं आए जाए नहीं। मेरी मानिए तो मुझे भी अपने गांव जाने दीजिए और आप अपने गांव चले जाइए। सही कह रहे हैं खैराती लाल जी। अपनी नसीहत अपने पास रखो फड़के, अगर मेरी बाई आंख फट गई ना तो मैं तुझे एसीपी की कुर्सी से उतार कर हवलदार की बेंच पर बिठा दूंगा, समझे? मैं तो आपके घर का कुत्ता हूँ, जहाँ चाहे बांध दीजिए। तो फिर जा किसी कोने में और दूम दबा के बैठ जा, जा। नटवरलाल जी, ये विजय सक्सेना वही चक्रव्यूह रचा रहा है जो हमने 7 साल पहले रचाया था, अंधे कानून का। दोस्तों, आज मुझे ये कहते हुए बड़ी खुशी हो रही है कि हम सब लोग यहां जस्टिस चौधरी की रिटायरमेंट पर इनको खास सम्मान देने के लिए इकट्ठे हुए हैं। कहते हैं कि चांद में भी दाग होता है, लेकिन जस्टिस चौधरी की जिंदगी बिल्कुल बेदाग है। इंसान गलतियों का पुतला है, कभी ना कभी कहीं ना कहीं किसी ना किसी मुकाम पर गलती कर देता है, लेकिन जस्टिस चौधरी एक ऐसी नायाब हस्ती है जिन्होंने आज तक कभी कोई गलती नहीं की। चाहे इनकी झोली को दौलत से भरने का लालच दिया गया हो, चाहे इन्हें या इनके बीवी बच्चों को बाहर डालने की धमकी दी गई हो, लेकिन ये हमेशा सच्चाई के रास्ते पर अड़े रहे। गिव हिम अ बिग हैंड लेडीज एंड जेंटलमैन। साथियों, आपको यकीन होगा कि मैंने कोई गुनाह नहीं किया है, कभी कोई गलत फैसला नहीं किया है, लेकिन मेरा जमीर जानता है कि मैंने एक गलती की है। मैंने एक बेगुनाह को गुनाहगार ठहराया और एक गुनाहगार को छोड़ दिया। मैं जस्टिस चौधरी तमाम दुनिया के सामने अपने जुर्म का इकबाल करता हूं, इसलिए जज जो दूसरों को सजा सुनाता है खुद सजा का हकदार है। लेकिन आज अपने माथे पे लगे उस कलंक को, उस धब्बे को मैं मिटा दूंगा। नटवर, तेरे बेटे काली के खून से। ये तुम क्या कर रहे हो? वही जो मुझे 7 साल पहले करना चाहिए था, इंसाफ। रुक जाइए जज साहब। पहले आपने मेरे साथ नाइंसाफी की थी, आज वही फिर करने जा रहे हैं। यह कानून का नहीं, मेरी बहन का कातिल है। यह आपका नहीं, मेरा मुजरिम है, और इसे सजा देने का हक सिर्फ मेरा है। चल, रुक जाओ, मुझे लग जाए ना। कहाँ ले जा रहा है मेरे बेटे को? ऐसी जगह जहां मौत इसके सामने होगी और इसे बचाने वाला कोई नहीं होगा। चल, मुझे बचाओ, ये बहुत मारेगा, मुझे बहुत मारेगा। ये क्या कर रहे हो? जिस तरह तूने मेरी बहन के जिस्म से बोटियां नोची थी, आज तेरी भी बोटियां नोची जाएंगी। आहिस्ता आहिस्ता तड़प तड़प के मरेगा तू, जैसे मेरी बहन मरी थी। यहां मुझे छोड़ के क्यों जा रहे हो? सरकार ने पाबंदी लगाई है कि इंसान जानवर का शिकार ना करें, लेकिन यह पाबंदी नहीं लगाई कि जानवर इंसान का शिकार ना करें।
मैं तुम्हारा पैर पड़ता हूँ, तुम्हारे हाथ जोड़ता हूँ, मुझे अकेला छोड़ के मत जाओ सर, मुझे अकेला छोड़ के मत जाओ, अरे मुझे अकेला छोड़ के मत जाओ।